हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। मैं हूँ सुनीता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी के केक की रेसिपी। ये केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। इसकी सारी सामग्री आपके घर पर पड़ी हुई मिल जाएगी और बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें। मिक्सिंग बाउल में आधा कप दही लेंगे और इस दही को हम व्हिप कर लेंगे, जिससे दही थोड़ी क्रीमी हो जाए। इसमें जो गुठलियाँ होती हैं वो टूट जाएंगी। फिर इसी में हम लेंगे पाउडर शुगर। शक्कर को घर पे ही पीस लीजिए मिक्सर में और उसको छान कर इस्तेमाल करिए। एक चौथाई कप रहेगा रिफाइंड ऑयल और फिर इनको मिला लेंगे अच्छी तरह से दही के साथ। अब एक कप इसमें बारीक सूजी डालें। सूजी को मिक्सर में पीस लें, उसका इस्तेमाल करें। आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालें और आधा छोटा चम्मच कोई भी फ्रूट एसेंस या वनीला एसेंस डालें। फ्लेवर के लिए आपके पास एसेंस नहीं है तो इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर लें। फिर इनको मिलाएं अच्छी तरह से और ढक कर रेस्ट होने दें ताकि सूजी है फूल जाए अच्छी तरह से। कुछ देर बाद हम चेक करेंगे तो ये देखिए, ये हमारी जो सूजी है अच्छी तरह से फूल गई है और बैटर जो बहुत थिक हो गया है। अब इसको पतला करने के लिए थोड़ा हम दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बहुत गाढ़ी ना बहुत पतली रखनी है। मैंने इसमें एक चौथाई कप दूध डाला है और अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है। अब मैदा लें थोड़ा सा और आपके पास टूटी फ्रूटी है तो उसमें इसको डस्ट कर लें टूटी फ्रूटी को, और इसमें हम डालेंगे। आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं अपनी मनपसंद, छोटे छोटे बारीक काट कर डाल लीजिए। और ये मैंने टूटी फ्रूटी डाला और इसको हल्के हाथों से मिला देंगे, ऊपर नीचे कर दें और ये हमारा केक का बैटर तैयार हो गया है। अब मोल्ड लेंगे। मैंने मोल्ड को ऑलरेडी इसको ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दिया था और इसमें हम सारे अपने बैटर को डाल देंगे और थोड़ा सा एक दो बार इसको टैप कर लें। अब इसके ऊपर थोड़ा ड्राई फ्रूट या टूटी फ्रूटी डाल लें, इससे केक बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। ओवन में भी बेक कर सकते हैं आप, कुकर या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। बहुत सारे केक के वीडियो मैंने बनाए हैं, मेरे चैनल पर हैं, आप उसे देखकर और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अब ये 40 मिनट बाद मेरा केक अच्छी तरह से बन गया है, टूथपिक बहुत क्लीन आउट हुआ है। अब इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे हम डिमोल्ड करेंगे। देखिए हमारा जो केक है बहुत ही स्पॉन्जी बना है और देखने पे कोई भी नहीं कह सकता है कि ये सूजी का बना हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट है जैसा आप देख रहे हैं। अब इसे मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से ये कट जा रहा है और देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है, बिल्कुल फ्लफी बना है। सूजी का केक बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही कम सामान में ये तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप भी अपने घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।